अफ्रीका में गया और शिकार किया और एक मोर शिकार करके खाया, रात को सोया, सुबह उठ के देखता है कि पूरा काला हो गया। सत्य घटना, आई थिंक रीडर डाइजेस्ट करके ऐसा कोई इसमें निकला था, पूज्य गुरु जी इसको निकाले बाद में हिंदी वर्सन में। और अंग्रेजों का काला गोरा भेदभाव बहुत है, उसको ब्रिटिश में रहने नहीं दिया, सब कोई छींची दूर दूर किया। ठीक होने के लिए एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद और जो जो पैथी जानता था पूरा वर्ल्ड में, पैसे वाला था, सब ट्रीटमेंट करा लिया, लेकिन वो अपने रंग पे नहीं फिर पाया। इतने में किसी ने बोला कि ऐसा करो, इंडिया में चलो। वो इंडिया में आया, बहुत ढूंढा, ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया, नहीं कर पाया। उसके बाद कोई आगरा के आसपास कोई एक आयुर्वेद आचार्य थे या पंचगव्य आचार्य थे, उसके पास पहुंचे, देखा नाड़ी, बोला ठीक हो जाएगा एक दो महीने में, ठीक सो गया। बोला अरे पूरा वर्ल्ड ठीक नहीं कर पाया और ये महाराज किसे ठीक कर देगा, ठीक है पहुँच करो, पहुँच देना। तो उसको लाया और गौमूत्र का और पंचगव्य का और वो छाछ कल्प कराया, वो गुरा हो गया, फिर गुरा हो गया। और फिर बोला ठीक है जाओ। बोला क्या फीस? बोला क्या खाक फीस, तूने क्या पी लिया? मेरा बाय प्रोडक्ट पी लिया, तेरे को क्या फीस? कोई फीस नहीं। बोला ठीक है आप फीस मत लो, लेकिन ये बता दो कि क्यों मैं काला हो गया और कैसे गोरा हो गया। बोला ये बात है, बताओ तू कहाँ गया था? बोला सब। क्या खाया था? बोला मोर खाया था। सुन, वो मोर रात को एक काला ब्लैक पैथन कोबरा ऐसा कुछ, काला सांप, उसको खाया। मोर खाया तो खाया, हजम नहीं किया था, जहर उसके शरीर में था। तुम लोग उसी जहरीला मोर को खाई, जहर आदमी को काला कर देता है, तुम हो गए काला। जैसे चाय जहर है पिया तो काला हो जाओगे, चौमिन हॉटडॉग बर्गर पिज्जा ये सब पेप्सी कोला पियोगे काला हो जाए। और उधर फिर कंपनी रेडी है फेयर एंड लवली देने बेचने के लिए, गोरा बनाने के लिए, ठीक है। तो वो बोला फिर हम लोग मरे नहीं। बोला मरा इसलिए नहीं क्योंकि मोर का शरीर में वो जहर आधा घुला था आधा बचा, फिर गोरा कैसे हो गए? बोला गोमाता सर्व विषनाशिनी, तुम गोरे बन गए, ये तुम्हारा ट्रीटमेंट हुआ गोरा बनाने का। तब उस दिन से तुम लोग जैसे परम गो भगत महापागल बन गया। क्या बना? एक गाय बढ़िया शुद्ध भारतीय नस्ल देसी गाय, गंगा तीरी या कुछ लेके आया, और उसके लिए खाना बनाने के लिए खानसमा, आजकल को उस समय एक तो मुसलमान को पकड़ा कर बढ़िया खाना वाना बनाता है, उसको खाना बना के, इसका एक ही काम है, इसका इस अंग्रेज का, सुबह से गाय को आरती वगैरह करके पूजा तिलक करके अपने हाथ से गुड़ जो भी खिलाना गोग्रास करा के गाय चराने भागता है, शाम को आएगा। कृष्ण भगवान जैसे बिना खड़ाऊ का गाय खाली पैर चलते हैं, हम कैसे जूता चप्पल पहनेंगे ब्रह्मा? ऐसे ही वो गाय चला, एक साल गया, दो साल गया, तीन साल गया। एक दिन इस मुसलमान का दिमाग खड़क गया, बोला अरे हम इसका खानसमा है, चार पांच साल से खिला रहे हैं, ये पागल करता क्या है अंग्रेज? एक दिन बोला आज छुप के देखेंगे, तो खाना वाना पैक करके, नहीं तो दिन भर घूमते रहते हम भूखों मरेंगे जंगल के अंदर। ये जाता है उस समय जंगल का कैसा, आगरा साइड का जंगल कैसा होगा। बहुत ढूंढने के बाद देखा कि गाय चराते 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 एक समय गाय के पास ये हाथ जोड़ के ऐसा बैठा है, गाय सामने बोल रही है ये सुन रहा है, गाय बोल रही है ये सुन रहा है, ये गाय का सेवा करता है सुनता है। ये देख के बेहोश हो के गिर गया। तो अंग्रेज उसको फिर पानी उन्हें डाल के उठाया, बोले तू क्यों आया? तो बोले बात तो बताओ कम से कम, गाय का बात हम जिंदगी में पहला बार सुने, वो भी इंसान के भाषा में तुम्हें ज्ञान दे रही है, और तुम सुन रहे हो समझ रहे हो और हाँ हाँ मार रहे हो, ये कैसे संभव है? बोला ये बोलूंगा तो तुम पागल हो जाओगे और मैं यहाँ खत्म हो जाऊंगा, क्योंकि ये ही है वह परम विद्या, जिस विद्या जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद दूसरा कोई ज्ञान का आवश्यकता, वह ब्रह्म विद्या है जो कभी जाबालक को मिला था। अब समझ में आया? कर्म मोह निज गुरु उद्धव कृपा तू प्रचार।
कर्म भित्तिक ज्ञान, हम कोई ज्ञान देने वाला नहीं है, मेरा कोई अहंकार नहीं कि हम ज्ञानी है और आपको ज्ञान दे देंगे और समझ जाओगे। वो गाय तुम्हारा गुरु है, वो गाय तुम्हारा भगवान है, वो गाय के श्रीचरण में जब तक नहीं पड़ोगे वो ज्ञान कहाँ से देगी। हल्का हल्का ऊपर ऊपर सेवा कर दोगे थोड़ी होने वाला है, नहीं होने वाला है। आज अगर हमें कुछ भी मिला है तो गौ माता की कृपा से मिला, समझ में आ रहा है। आज जो कुछ भी आज देख रहे हो, आठ आठ फोर व्हीलर है, आठ आठ टू व्हीलर है, बुलेट से लेके स्कूटी तक है, स्कॉर्पियो से लेके इतना सारा, वो कृपा उसी का है। आज करोड़ों खर्चा गुरुकुल में करके रख दिए, वो कृपा उसी का है। हम खाली नेचुरोपैथी पंचगव्य एक्यूप्रेशर चिकित्सा करते थे, जिस दिन से गाय का पूछ पकड़ लिया उस दिन करोड़ों में खेल लिया, समझ में आ रहा है। तो चलो, समय सबका खराब अच्छा आता है, मेरा भी खराब अच्छा आता है, और यहाँ ये विधर्मियों के बीच में खड़ा होना मेरे लिए भी थोड़ा असंभव बन रहा था, लेकिन फिर देखो गौ माता गौशाला बंद करेंगे बोलते हैं और आप लोग को ला के खड़ा कर दिया गाय के साथ बंद करेगा एक गाय और लो। ठीक है, तो ये खेल ऐसा है प्रभु, इसलिए हम ज्ञान देने वाला कोई नहीं है। जितना सेवा करोगे, जितना कर्मयोग के भाव से, ऐसा जब गौ माता का सेवा करोगे तो ये सोचना कि मैं नहीं कर रहा हूँ, कृष्ण कन्हैया लाला ने करा रहा है उसका कृपा से, नहीं तो औकात नहीं है हमारा, रोंगटे खड़े हो रहे बोल रहा हूँ, औकात नहीं है साला गौ सेवा करने का हम लोगों का, वो लायक नहीं है गौ सेवा करने के लिए, कृष्ण बनना पड़ेगा। और जब तक कोई गौ सेवा नहीं करे उसको सब मिल सकता है, ज्ञान नहीं मिल सकता, विद्या नहीं मिल सकता, शिक्षा मिल जाएगा किताबी, ज्ञान विद्या नहीं मिल सकता।